मैं सोलो ट्रैवलर हूँ। मैंने 2 साल से मैं ट्रैवल कर रही हूँ मुंबई। हार्डली 3 महीने से ज़्यादा मैं रुकी नहीं हूँ। एक बड़ी जर्नी मेरी 10 कंट्री की थी, 14 मंथ्स। ज़्यादा टाइम मैंने ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के कुछ डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मैंने ट्रैवल किया था। और ये जर्नी में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, मिनिमलिज्म, कैसे विलेजेस के साथ रहना है, कैसे सिंप्लिसिटी से रहना है। तो ये सब मैं मेरे ट्रैवल में मैं सीखी हूँ। यहाँ पे जब ये सेहतमंद बन रहा था उसके भी मुझे अपडेट्स मिल रहे थे। इनके वीडियो, विपिन जी के वीडियो मैं फॉलो कर रही हूँ। और ऐसे हो रहा था कि मैं जैसे ट्रैवल कर रही थी और जो मुझे क्लिक होता था कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, और फिर विपिन जी के वीडियो आते थे तो ऐसे अप्रूवल हो जाता कि मैं सही जा रही हूँ। और फिर मुझे इस तरह की लाइफ जीना अच्छा लग रहा था। मेरी सेहत भी काफ़ी ठीक होते जा रही थी। और ऑलमोस्ट मेरे ट्रैवल के बाद जो मेरा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो रेमिशन पे भी चला गया था, जिस डॉक्टर ने बताया। फिर मैं चाहती हूँ कि मैं इसी टाइप का लाइफ या मेरा माइंडसेट जो है वो इसी तरह से मैं कंटिन्यू रखूँ। तो ये एक जगह थी जहाँ से मुझे लगा कि जो भी वैसे थॉट हैं उसको मैं यहाँ पे ज़्यादा नर्चर कर सकती हूँ। तो इसीलिए मुझे सेहत बनाना ज़रूरी लगा। तो आपने सोचा था कि आप यहाँ के फास्ट करोगे? नहीं, मुझे यहाँ पे फास्ट का पता भी नहीं था कि क्या फास्ट है। ऐसे मैंने ऑटोफेजी के बारे में सुना था, इन्होंने लिखा था किसी के बारे में, पर मुझे पता नहीं था ऑटोफेजी क्या है। डॉक्टर विपिन जी थे और शिवेंद्र, मेरे साथ एक मेरा फास्टिंग बड़ी था जो शुरुआत के 5 दिन मेरे साथ था। तो शुरुआत का 2nd डे बहुत डिफ़िकल्ट गया था मेरे लिए। बहुत मैं लो फील कर रही थी। 3rd डे 4th डे आई थिंक 2 से 4 दिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट गए थे। 5वें दिन से मैं थोड़ा ठीक फील कर रही थी, स्पेशली जब भी मुझे कुकिंग करने का मौका मिला था तो शायद वहाँ से मुझे एनर्जी आई कि हाँ अभी मुझे कुछ करना है। तो थोड़ा लो फील तो हो रहा था पर अच्छा लग रहा था। शायद मैंने मेरा माइंड कहीं पे फोकस कर लिया था या जो भी होगा। फिर 6 7 7 डे से तो फिर काफ़ी अच्छा चल रहा था, एनर्जी अच्छी ही रही थी। सिर्फ 2 दिन बारिश हुआ था, तभी बहुत ठंडी लगने की वजह से मैं बेड के अंदर ही थी। 20 डेज मैंने नहीं सोचा था फास्ट में करूँगी। मैं हर हर दिन मैं देखती थी कि कैसा है, और मेरा कुछ प्लान नहीं था, पर हर दिन के हिसाब से मैं स्लोली स्लोली आगे बढ़ते जा रही थी। ये 20 दिन में मुझे मुझे आई थिंक टोटल 23 24 डेज या 25 डेज में मैं 3 बारी नहाई थी। मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था कि मैं कुछ गंदी हूँ, मुझे बहुत क्लीन फील हो रहा था। क्योंकि खाना नहीं जा रहा था तो कुछ बैड स्मेल और वो सब का भी टेंशन नहीं था। और एक बहुत फ्रीडम भी फील हो रहा था कि फास्ट था, जो भी उठना है उठो। वैसे कुछ फिक्स शेड्यूल तभी नहीं था बिकॉज़ ज़्यादा लोग नहीं थे, तो वो भी एक फ्रीडम हमें अपने आप मिल गया था। तो फिर कुकिंग करो, कोई ना कोई आते रहता था तो रोज़ मुझे कुकिंग करने के लिए भी, और मुझे कोई एक जन भी आ रहा है तो मुझे कुछ ना कुछ बनाने को मन कर रहा था। तो वो शायद बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ थी जो मुझे एंगेज रखे हुए थे फास्ट में। मुझे रात को भी ऐसे प्लान चला था दूसरे दिन मैं क्या बनाऊंगी, मुझे खाना नहीं था वो कंफर्म पता था, तो वो एक अच्छा कंट्रोल था। और जब भी हम लोग आए थे तभी बारिश भी थी, बड़ी बड़ी ग्रास है, सांप, बिच्छू और काफ़ी इंसेक्ट, काफ़ी बर्ड्स। तो ये सब जैसे फैमिली है तो वो सबके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, खुद को एकजुट करके मैं रह पा रही हूँ, तो वो भी अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा मैं घूमने नहीं गई थी, पर वो ही एक जगह जितना था सेहतवन का जगह वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी फास्ट। मुझे ऐसे भी था कि मैं अगर और कंटिन्यू करना चाहती तो मैं कर सकती थी, तो फिर मैंने एक मोमेंट पे डिसाइड किया कि हाँ अभी मुझे ब्रेक करना है। और कुछ असर रहा फास्ट के फास्ट टाइम का? पे मेरा मन चंचल था, स्पेशली जब भी लोग होते थे तो काफ़ी एक अच्छा माहौल सा रहता था। मुझे याद है हम लोग स्ट्रीम पे नहाने जाते थे, सिर्फ उन लोग के साथ जाना है करके मैं नहाती थी। हम लोग साथ में यहाँ पे स्ट्रीम पे नहाते थे तो उसके लिए नहाते थे। और फिर तभी भी मुझे याद है आई थिंक 2019वें उपवास तक भी मैंने पानी ऊपर भर के मैं लाई हूँ, 10वें उपवास 15वें उपवास। तो वो मैं कंफर्टेबल थी। एक दिन गरबा वरबा भी खेलना था तो आई थिंक 12वां 13वां उपवास चल रहा होगा, गरबे वरबे भी हमने खेले थे। तो मन मतलब सभी चीज़ें करने को और
फूड के लिए बहुत ये मन रेडी था कि हाँ कुछ ना कुछ बनाना है ऐसे एकदम स्पिरिचुअली बहुत शांत मन ऐसे नहीं था। सुबह मॉर्निंग बहुत शांत रहती थी पर फिर उथल पुथल तो चल रहा था, तो मेंटली मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बहुत शांत मन था। और शायद मैंने कोशिश भी नहीं की कि हाँ मैं कुछ मेडिटेशन करूँ या ये करूँ, मुझे कभी ऐसा सूझा नहीं। मुझे लगता था कि अगर ये चीज़ होता तो और बेटर हो सकता था, पर मुझे ऐसा कुछ सूझा नहीं, तो मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया खुद को। तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि स्पिरिचुअली मैंने वो फास्ट मैंने कर पाई, पर अदरवाइज़ आई एम रियली हैप्पी जिस तरह से भी फास्ट हुआ, जो एक्सपीरियंस मैंने किया। शायद मैं इतना एक्सपीरियंस अब भी नहीं कर पाया, शायद कुछ चीज़ें मुझे बाद में पता चलेंगी, पर अच्छा लगा ओवरऑल वेरी इंटरेस्टिंग।